मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिफोर बिकॉज आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं व्हीलचेयर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये व्हीलचेयर जो थी ये 2010 से पहले नहीं थी. 2010 से पहले आई वॉज़ फिज़िकली फिट एंड आई वॉज़ लिविंग विद द जम्पिंग लाइफ लाइक यू पीपल. और अब माशाल्लाह आप लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये भी शुक्र है. ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पहले मुझे जो पैशनेट था अबाउट क्रिकेट था. अभी जो आप लोग स्लाइड्स में देख रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो हमारा था उसके कुछ पिक्चर्स हमारे साथ दोस्त वगैरह थे. और लास्ट ट्रिप जो हमने किया था टंडियानी का किया था, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी दोस्तों के साथ था. लेकिन उसमें हमने ये किया था कि ये मूवमेंट्स इस तरह थी कि वो उस टाइम भी इस तरह था, यानी जो आप कह लें कि लीडरशिप स्किल्स कह दें उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करना, उनके लिए इवेंट्स अरेंज करना, गैदरिंग अरेंज करना, ये थ्रू आउट करते रहते थे. और साथ में पीटीवी में जॉब मेरी कंटिन्यू थी, एमसीआर में ड्यूटीज़ हमारे कुछ दोस्त हैं वो शायद इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो. और DSNGPA डिजिटल सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग सेटेलाइट इंजीनियर के तौर पे भी रह चुके हैं. डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया है, पीटीवी में इवन और NLE हो गया, हर जगह पे. लेकिन जब ये सब कुछ हो गया, ये 11 अक्टूबर 2010 की बात है कि सुबह सवेरे उठे, हमारा प्लान था इस्लामाबाद जाने के लिए. और उसमें ये था कि हम इस्लामाबाद, हमारे एक सीनियर आए हुए थे वेलकम के लिए जा रहे थे उसको, और साथ में कुछ दोस्तों ने जिस तरह हमने कहा कि प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ लोगों के काम थे उसके सिलसिले में जा रहे थे. सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़ी, गाड़ी आई PTV से पिक करने के लिए. और जब हम गए, दोस्तों को पिक किया और ऑफिस की तरफ गए, वहाँ पे हमारे साथ जो गाड़ी जानी थी जो तैयार थी उसके ऊपर लिखा गया था कि ये गाड़ी जो है इसको ना लेकर जाएं. इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई थी कि इसके टायर कमज़ोर है, इसको आपने चेंज करना है. अब उसमें जो ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की उससे पहले थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ सिम्टम्स थी कुछ पहले से मुझे, इस तरह इशारात जिस तरह लोग ड्रामे और फिल्में देखते हैं वो चीज़ें पहले से मुझे आने शुरू हो गई थी. एक तो मेरी याहू की ID, उस वक्त तो मुझे नहीं था पता कि स्पेशल पर्सनालिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यूज़ होता है. 2006 की बात है और या 2007 के भी अभी तक ईमेल उसमें पड़े हुए हैं, शायद कुछ लोग कह रहे हो कि झूठ बोल रहा है वैसे ड्रामा कर रहा है. तो उसके लिए हमने अभी तक वो ईमेल मेरे पास पड़ी हुई है और उसको मैंने कंटिन्यू नहीं रखा. लेकिन वो पहले से मुझे यानी यानी ना चाहते हुए भी स्पेशल पर्सनालिटी की ID बनाई. साथ में मुझे कुछ ख्वाब आते थे. ख्वाब कैसे आते थे कि लोग चल रहे हैं और मैं उड़ रहा हूँ. मैंने कहा यार ये क्या है. डिफरेंट लोगों से पूछना शुरू किया कि मुझे ये ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई ताबीर नहीं बताई इसकी. लोग जब कोई मुझे यानी ये इस तरह का ख्वाब था कि 40-50 टाइम्स से मैंने ज़्यादा देखा था. 2010 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ. लेकिन जब इंजरी हुई उसके बाद थोड़ा पता चला कि यार लोग पाँव से चल रहे, आप क्यों उड़ रहे हो. वही हाथों की मूवमेंट मैं कर रहा हूँ और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है. लोगों ने स्टार्ट में थोड़ा सा जब इंजरी हो गई उस टाइम ये हुआ कि लोग ये कहने लगे कि यार ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है या इस तरह की मुख्तलिफ बातें सुनने को मिल रही थी. लेकिन मैं वो इंजरी को कंटिन्यू रखते हुए जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसमें ये हुआ कि जब हम PTV से गए, वहाँ से हमने सफ़र तय किया, ये पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे मोटरवे पे. वहाँ पे सवाबी इंटरचेंज के करीब हमारा एक्सीडेंट हुआ, टायर ब्लास्ट हुआ. ऑलरेडी उस पर रिपोर्ट लिखी गई थी कि इसको आपने नहीं लेके जाना, लेकिन जो लिखा होता है मुकद्दर में, जिस तरह मैंने थोड़ा सा प्रीवियस बयान किया कि ये चीज़ एक लिखी गई थी, मैं उसको किसी का जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहूँगा. और वहीं पे इंजरी हुई, एकदम जिस तरह इंजरी हो गई और एकदम यानी ब्लास्ट हो गया, टायर ब्लास्ट हो गया. और मुझे इससे फील हुआ कि यानी हंसी से आने लगी, जिस तरह वो ड्रामा क्रिएट हो रहा है मुझे वो हंसी से आने लगी कि यार ये क्या हो रहा है. लेकिन जो ही सर मेरा उसके ऊपर लगा और बेहोशी के आलम में गए तब हंसी निकल गई. और उस वक्त ये हुआ कि होश में आए तो एम्बुलेंस की आवाज़ें आ रही थी और यानी
मैं भी उन्होंने जब मुझे हिलाया वो ज़्यादा पेन की वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि होश में आया हूँगा। उधर से उन्होंने उठाया, वहाँ से शिफा हॉस्पिटल मर्दान लेके गए, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा ये एक बात बताना भूल गया था कि सुबह जब ऑफिस जा रहे थे मैंने भाई को भी कहा आप मेरे साथ भी चलो, उन्होंने कहा नहीं आप लोग लेट हो रहे हो। इसी दौरान मर्दान तक उनको भी यानी मैसेज पहुँच गया था कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस्लामाबाद से वापस पेशावर आ गए थे, मर्दान आ गए थे। वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो भाई मेरे पास खड़ा होके मुझे कह रहा है कि उस क्वालिटी MLT उन्होंने किया था, उसको इस साइड से एक्सपीरियंस था कि ये क्या चीज़ होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मुझे पाँव पे चुनचिया लगाने लगी और पाँव पे बार बार रब करना लगा कि आपको ये फील हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, और वो रोने शुरू हो गया। मैं उसके ऊपर हंस रहा हूँ, मैंने कहा यार क्यों रो रहे हो? उसने कहा मुझे पता है, बस मैं उसको दिलासा दे रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, लेकिन वो लगातार रो रहा है। बाद में उसने कहा कि मैंने उस टाइम एक दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इसको या तो ठीक कर दे और या मार दे, क्योंकि उनको पता था कि इसमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि विद इन द स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स यू बिकम अ पैराप्लेजिक एंड यू लॉस योर यू बिकम अ डबल इनकॉन्टिनेंट, इवन सेंसेशन भी नहीं, आपका कंट्रोल भी नहीं है। ये चीज़ें उनको काफ़ी हद तक पता थी कि ये लाइफ गुजारना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो तो LRH गए, वहाँ पे भी थोड़ा सा ऑपरेट हुआ, वहाँ से नहीं आखिर में आके बस शॉर्टकट शिफा इंटरनेशनल आए। वहाँ पे ये हुआ कि ट्रीटमेंट हो गई और ऑपरेट हुआ, फिर वहाँ से पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर गए, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन हुई। स्टार्ट में लाइफ गुजारना काफ़ी मुश्किल था, कॉम्प्लिकेशंस थी, उसको लाइफ में एडजस्ट होना कि आप वापस लाइफ की तरफ जाओ ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आप एक लाइफ गुजारो और आप व्हीलचेयर पे, क्योंकि आप एक दिन भी मेरे ख्याल से व्हीलचेयर पे नहीं गुजार सकते वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ। इसी तरह वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, घर गए, घर में थ्रू आउट कोशिश की कि मैं एक्सरसाइज करता रहूँ और रिकवर हो जाऊँ, लेकिन वो रिकवरी की तरफ नहीं जा सका। और इसी दौरान हमारे वहाँ पे पैराप्लेजिक सेंटर के CEO थे सैयद मोहम्मद इलियास, वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार आप गेम्स के लिए आओ, क्योंकि मैं उधर करीब रहता था, उस रिहेबिलिटेशन इदारे के करीब रहता था। मैंने कहा यार ये क्या पागल इंसान है, मैं अपने एक्सरसाइज करूं कि ठीक हो जाऊं और या गेम्स खेलूं? मेरे गेम्स के साथ वो यानी दिल नहीं लग रहा था गेम्स में। लेकिन जो तो मैंने इंटरनेट पर सर्च आउट करना शुरू किया, मुझे ये एहसास हो गया कि लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो गेम्स स्टार्ट कर दी। गेम्स में ये शुरू हो गया कि मेरे भाई थे वो मुझे साथ लेके जाते थे, जो पिक्चर्स में अभी आप देख रहे हैं, व्हीलचेयर थी पहले मेरे साथ, मैनुअल थी, इसी तरह की दूसरी थी, वो रोड क्रॉस करते थे। मैंने कहा वो भी इसी तरह गुमसुम सा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उसको भी एक्सीडेंट हो जाए, बिल्कुल ही चौला सा था। तो वो मैंने कहा यक न शुद्ध दो शुद्ध हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि यार आप अपने लिए कोई बंदोबस्त करना शुरू कर दो। तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का बंदोबस्त किया, दोस्तों से कह के कहीं सर्च आउट किया, उस पे जाना शुरू किया। वो जब किया तो मुझे थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी फील हुई, थोड़े अपर लिम्ब स्ट्रांग हुए, और फिर गाड़ी का सोचा। गाड़ी पहले तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं गाड़ी चला पाऊँगा, लेकिन घर वालों ने जूं तू करके गाड़ी अरेंज की। फिर मेरे साथ कज़न होते थे शाहिद, वो मुझे लेके जाते थे एक दूसरी जगह पे, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाता था कम्युनिटी में या विदाउट कम्युनिटी फ्रेंड्स के साथ जाता था, फिर उसके मुंह को देता था कि यार ये बंदा खुश है कि खफा है। फिर थोड़ी देर बाद यार ये इसने कुछ कहा कि नहीं कहा, यानी बार बार मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि यार मेरी वजह से एक बंदा ओवरबाउंड हो रहा है। जिस तरह पहले बाइक को मैंने वो कर दिया, हटा दिया, मैंने कहा कि यार बस मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली जा सकता हूँ। उसके बाद फिर अपनी एक गाड़ी ली और उसमें ये किया कि अल्ट्रेशन की पैराप्लेजिक सेंटर में की, और ख़ुद ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प, हाथों की मदद से एक्सेलेटर और ब्रेक की तरफ चले गए। इसी तरह जाते जाते गेम्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई, गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अपर लिम्ब स्ट्रांग हो गए। पहले बास्केटबॉल खेलते थे, फिर व्हीलचेयर टेनिस की तरफ किसी ने गाइड किया, ICRC ने कुछ व्हीलचेयर्स डोनेट की हुई थी, तो हमने कहा चलो यार इससे कोई फ़ायदा ले लें हम लोग उसको यूटिलाइज करके व्हीलचेयर टेनिस, क्योंकि व्हीलचेयर टेनिस मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई शायद मुझे टेनिस का प्लेयर हो है कि नहीं है, मुश्किल है नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा, ये तो मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ कि
व्हीलचेयर में ही गेम स्टार्ट की और अक्सर अगले को कन्विंस करना कि यार मैं ये गेम खेल रहा हूँ, वो कह रहा है यार आप कैसे खेलोगे इसको, तो फिजिकली फिट लोग भी नहीं खेल पा रहे, आप कैसे खेलोगे। मैंने कहा यार डोंट वरी, मेरा अपोनेंट भी व्हीलचेयर में ही होगा, कोई फिजिकली फिट नहीं होगा। इसी तरह गेम खेलते हुए नेशनल लेवल पे कम्पीट किया, पहले 2013 में एबटाबाद में नेशनल गेम्स हुई, उसमें कामयाबी मिली, और फिर 2014 में गेम्स हुई पूरे नेशनल लेवल की, उसमें भी फर्स्ट आए, और उसकी वजह से उसी बेस पे फिर पाकिस्तान से सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल के लिए, तो पाकिस्तान कलर्स बन गए, जो कि इसी तरह जो मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे ये डिसेबिलिटी ना होती तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कलर बनना मुश्किल ही था। इसकी वजह से एक ख़ास मौका मिला और सिलेक्शन होगी। वहाँ पे जाके फिर जब गेम्स खेली तो पता चला कि इसके लिए और कितनी एफर्ट्स चाहिए होंगी, क्योंकि लोग 5-5 आवर्स खेलते थे और हम सिर्फ 1 घंटे या आधा घंटे, क्योंकि हमें उधर टाइम नहीं मिलता था। यूं तो करके वहाँ पे भी तकरीबन क्वार्टर फाइनल में 2 गेम्स जीत ली, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार गए थे एशियन गेम्स में 2014 में। और वहाँ से आके जब मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने देखा कि यार ये तो गेम खेलना भी टफ है, उसको आप टाइम भी दोगे, और फिर ज़रा मेरी सोच दूसरे लोगों की तरफ जाना शुरू हुई कि मैं सिर्फ अकेला ही खेल रहा हूँ, क्यों ना इसमें और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए कि वो भी उनको भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएँ। तो इस तरह सोशल वर्क की तरफ भी गए, सोशल वर्क की तरफ जब गए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो गेम की तरफ मेरा वो रुझान कम हो गया। पहले 1 पैक 6 पैक्स थे और अभी तकरीबन 1 पैक बन गया मेरा तकरीबन। इसी वजह से बाकी लोगों को सोशल वर्क की तरफ थोड़ा सा रागब हो गए। फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक को एज ए जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किया, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो गई क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली रही। और इसमें फिर ये रहा कि उनको कम्युनिटी में रीइंटीग्रेट करवाना, उनके लिए रोल मॉडल बनना, हर किस्म के काम, जिस तरह अभी पिक्चर में देख रहे हैं कि वहीं पे वो लेके चीज़ें बेचना उनको, यानी क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इस तरह के एग्रेसिव लोगों की है और यंग एज में होती है, तो इसमें काफ़ी लोग इस तरह होते हैं कि ओनली वो इस तरह होते हैं कि यानी घर के इकलौते होते हैं या घर के एक ब्रेड विनर होते हैं, तो उनको उसकी तरफ वापस लाना, उसमें भी आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करोगे मे बी वो इतना इफ़ेक्टिव ना हो जितना वो अपने लेवल पे दूसरे को देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और वो उनकी बात मानते हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा रिस्पांस लिया और खुशी भी मिलती रही, दिली सुकून जो काफ़ी लोग उसके पीछे फिरते हैं। और जब से मुझे इंजरी हुई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी सैड मूड में नहीं गए हैं, कंटिन्यूसली वो खुशी देते हैं। और इसका राज भी यही है कि वहाँ पे विदाउट एनी रिस्पांस या कुछ एक्सपेक्ट किए हुए वहाँ पे हेल्प करना, और उससे रिस्पांस में जो दुआएं मिलती हैं उसी वजह से जो दिल का सुकून होता है या आप खुश होते हो वो चीज़ होती है। ये करते हुए कुछ इस तरह मौके आए कि मैं BRT की एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, गवर्नमेंट की तरफ हम गए, जो काफ़ी लोग अभी उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने इस तरह किया कि पहले उनसे कहा कि यार ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों की बनी हुई है, काइंडली हमारे साथ शेयर करें कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर नहीं की, तो क्या किया हमने कि एग्रेसिव मूड पे नहीं गए, उनके खिलाफ कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनको कहा कि एक्सेसिबल बनाए, और आज ये पहला प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान का जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और व्हीलचेयर यूजर्स के लिए सबके लिए एक्सेसिबिलिटी होगी। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट एरियाज पे ये सेशन स्टार्ट किए, लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट किया, लोग भी समझना शुरू हुए, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इसमें ऐसे मोमेंट्स भी आए कि यानी जब आप किसी और की हेल्प करते हो उसमें आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होती है। इस तरह हुआ कि हमारी टीम ने कराची जाना था और कोई स्टार्ट का टाइम था, कोई डोनर नहीं मिल रहा था, ICRC से भी लोकली जब रिस्पांस नहीं मिला, जेनेवा की डायरेक्ट ईमेल कर दी हमने कि वहाँ से उनका रिस्पांस आया, और वो हमें वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारा स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि क्रिकेट में मुझे भी जुनून था, और वो वहाँ से जब सपोर्ट हुआ
काफ़ी अच्छा यानी मोटिवेशन सी मिली, और क्योंकि आपकी वजह से इतने लोग जा रहे हैं और इंटरटेन हो रहे हैं और पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में फिर व्हीलचेयर क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस करवाया अब केपी में हार्डबॉल पे, उसमें काफ़ी इवेंट्स किए हैं और उसमें भी जहाँ पे खेलते हैं बस कामयाबी मिलती है, वहाँ पे भी जब प्रोवेंशल लेवल पे हमने कम्पीट किया तो हमारी टीम पेशावर की थी और वहाँ पे हमें कामयाबी मिली। अभी रिसेंटली दिसंबर में ICRC के तौर से हमने नेशनल एबिलिटी स्पोर्ट्स सेलिब्रेट किया था, उसमें भी यही हुआ कि हमने नेशनल लेवल की 4 टीमें इनवाइटेड की चारों प्रोवेंसेस से, और उसमें फिर KP की टीम विनर रही। तो ये सिलसिला काफ़ी कामयाबी की तरफ रहा, और आखिर में ये कहूँगा कि अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, क्योंकि इस फेज़ में हमें भी बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट नाम से पुकारना शुरू किया, लेकिन आपको अगर कोई पत्थर मारे और उन पत्थरों को आप अपने गिर्द एक सर्कल सा बना के कुआं बना लें तो मेरे ख्याल से आप आइसोलेशन में चले जाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उन्हीं पत्रों को आप एक सीक्वेंस में रखो तो एक चोटी बन सकती है और कामयाबी की चोटी पे भी आप जा सकते हो। एंड मैं बस यही कहूँगा कि किसी से गिला ना करें, किसी से शिकायत ना करें, अगर आपने कुछ करना है ना गवर्नमेंट से शिकायत करें, खुद ही इनपुट दें, क्योंकि हम भी इसी पे फोकस हैं और कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए कुछ करना है ये ना सोचे कि मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स आप दें अपने सोसाइटी में, सोसाइटी को बेहतर बनाने में, और अपने सोसाइटी की तरफ से भी, अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि इनको भी आप लोग जहाँ पे भी फैसिलिटेट हो सके वहाँ पे इनको जितना आप यानी एक्सेसिबिलिटी की शक्ल में हो गया या दूसरे राइट्स के सिलसिले में हो गया, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट के पीछे डंडी पकड़ी हुई है, उसको तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का भी सपोर्ट होगा और उसको साथ में लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये जर्नी हमारी एक सक्सेस की तरफ जाएगी। थैंक यू।